नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया परिवार का नाम जैसे ही आप लेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार में गरीबों का पैसा है। इस कंपनी में वैसे लोगों ने अपना पैसा लगाया जो रोज़ 100 रुपये के हिसाब से कमाई करते थे। कंपनी ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को टारगेट किया था जो कि रोज के हिसाब से 20 रुपये भी उन्हें दे सके। उसके बाद कंपनी ने उसके स्कीम को भी लागू किया जो कि आगे चलकर काफ़ी कारगर साबित हुआ। सहारा ने अपने उपभोक्ताओं को शुरुआती समय में बताया था कि आप हमारे पास 3 साल के लिए पैसा जमा करिए, हम आपको दोगुना करके देंगे। इतना ही नहीं, कुछ स्कीम तो इस तरह थे जो कि आने वाले कुछ सालों में 4 गुना हो जा रहे थे। ऐसे में इस स्कीम के तहत गरीबों का पैसा सबसे ज़्यादा उस कंपनी के पास पहुँचा। फिर बाद में कंपनी ने सोचा कि वह अपना पैसा अब शेयर बाजार में जमा करे, जिसके बाद से इस कंपनी के काले कारनामे सामने आने शुरू हो गए थे। सहारा इंडिया परिवार जब अपने आप को शेयर बाजार की दुनिया में ला रही थी तो उन्होंने अपने आप को सेबी में रजिस्टर करवाने के लिए आवेदन दिया। इस दौरान सेबी ने कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की तो कई तरह के मामले निकल कर सामने आए, जिसमें कंपनी से पूछा गया कि इन पैसों का सोर्स क्या है। कंपनी से यह भी पूछा गया कि आप जो पैसे हमारे पास जमा कर रहे हैं वह पैसा कहाँ से लाए हैं, जिसके बाद सहारा इंडिया ने बताया कि हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि पैसा जमा किए हैं। शायद 2.6 करोड़ रुपए की बात जो है डाटा के रूप में उन्होंने सेबी के पास भेजा था। ऐसे में सेबी ने भी उन सभी डाटा की जांच की, जिसमें यह पाया गया कि सेबी को भेजे गए डाटा में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस दौरान तो यह भी कहा गया था कि इस पैसे में कई राजनेताओं का भी पैसा है जो कि गलत तरीके से सही किया जा रहा है। खैर, सेबी को जब इस बात की जानकारी हो गई कि सहारा ने जो पैसा जमा किया है वह गलत तरीके से है, ऐसे में उसने कंपनी को कहा कि आप 15% ब्याज के साथ अपने उपभोक्ताओं को वो पैसा लौटा दें। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को कितना पैसा लौटाया इसके बारे में सेबी को जानकारी नहीं दी, लेकिन कंपनी ने यह जरूर बताया कि हमने उपभोक्ताओं को पैसे लौटा दिए हैं। ऐसे में कंपनी और सेबी के बीच में उपभोक्ता पीस रहा है, जो कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहारा के पास जमा किया था, जो कि अब बेसहारा है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी के 2 ग्रुप, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर शेयर बाजार में पैसे लगाने की बात कही गई थी। सहारा इंडिया ने इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर शेयर बाजार में अपना पैसा पसारना चाहा, जिसके लिए उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये शेयर के रूप में लगाए थे। हालांकि सेबी को जब यह पूरा खेल समझ में आया तो उन्होंने पैसे लौटाने की बात कही थी, जिसके बाद कंपनी ने सेबी से कहा कि आपके पास जो पैसा है वो हमारे गरीब उपभोक्ताओं का है, उसे आप लौटा दें। जिसके बाद सेबी ने डॉक्यूमेंट की मांग की और वह फर्जी पाया गया। हालांकि सभी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं थे, ऐसे में सेबी ने ब्याज के साथ 137.07 करोड़ रुपये वापस कर दिए, लेकिन अभी भी करोड़ों रुपये सेबी के पास अटका हुआ है। अब सेबी का कहना है कि आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। अब यह पूरा मामला सेबी और कंपनी के साथ साथ कोर्ट में भी चल रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या फिर पासबुक से जुड़े हुए 19,644 आवेदन मिले हैं, जिसके बाद सेबी ने 137.07 करोड़ रुपये कंपनी को लौटा दिए। इसके बाद अब सेबी ने पैसा आवेदकों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिनके डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं या फिर कंपनी की तरफ से किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। यानी कि जितने पैसे मान लीजिए 137.07 करोड़ रुपये जो है सेबी ने कंपनी को लौटाए, उसके बाद के जो पैसे हैं उसके लिए जो है सेबी लगातार कंपनी से यह कह रही है कि आप जो है बाकी बचे पैसों का डॉक्यूमेंट हमें दें, तभी जो है हम पैसे वापस लौटा पाएंगे। इस हालत में अब जो है सेबी ने सारे डॉक्यूमेंट को रद्द कर दिया है और पैसे देने से भी मना किया है। साफ तौर पे कहा गया है कि जैसे ही आप पैसे के लिए आप हमें ओरिजिनल बोनाफाइड देंगे, हम आपको पैसे लौटा देंगे। हालांकि इस दौरान सहारा इंडिया के मालिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 जनवरी 2014 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल के बाद पेरोल पर वे बाहर भी आ गए। हालांकि इसके बाद से यह पूरा मामला कोर्ट, सेबी और सहारा के बीच में घूम रहा है, लेकिन पैसा किसी भी निवेशकों को इसमें नहीं लगा। आपको बता दें कि सहारा इंडिया के पास 6 अलग अलग ग्रुप है, जिसमें 2 ग्रुप का पैसा शेयर में लगाने को लेकर कहा गया था, लेकिन इस कंपनी के साथ सहारा
क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड, ह्यूमन इंडियन क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी कंपनियां हैं। कंपनियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपये जो है की राशि कंपनी जो है अपने पास जमा की हुई है। ऐसे में वैसे उपभोक्ता जिनको पैसा नहीं मिला है उन्हें इन्हीं पैसों से जो है पैसे देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक जो है उपभोक्ताओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। ऐसे में वो लगातार परेशान हो रहे हैं। मान लिया जाए किसी पॉलिसी का टेन्योर 3 साल में खत्म हो रहा है, तो कंपनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप इसे दूसरे स्कीम में लगा दें ताकि अगले 2 से 3 साल में भी जो है ये दोगुना होगा या फिर उसका एक अलग अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को सहारा कंपनी इन दिनों बरगला रही है या कह लें कि उन्हें बहला फुसला रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जब सहारा के 2 ग्रुप का पैसा सेबी के पास अटका हुआ है तो बाकी सभी ग्रुप का पैसा कंपनी अपने निवेशकों को क्यों नहीं लौटा रही है। यही वो कारण है कि कंपनी के विरोध में लगातार देश के लगभग जिलों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सहारा को चाहिए कि गरीबों का पैसा लौटा दे, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहारा पर भरोसा किया था, लेकिन अब उनका भरोसा टूट रहा है। और जरा सोचिए उस एजेंट के बारे में जिसने कहा था कि पैसे दुगना हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि पैसा लौट कर भी नहीं आ रहा है। ऐसे में सहारा को एक बार फिर से अपनी छवि में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मात्र 2 ग्रुप का पैसा सेबी के पास है, बाकी सभी ग्रुप का पैसा तो अभी भी सहारा के ही पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा का कारोबार बिजनेस फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर रिटेल, वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर के साथ साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए के 2 होटल भी खरीदे हैं। इसके अलावा इनके पास मुंबई में एम वैली 313 एकड़ में फैली हुई जमीन में है। इस वैली को सुंदर बनाने का सपना भी सहारा श्री के मन में था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। इसके बाद यह प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से गर्त में चला गया। इसके साथ साथ मुंबई के बारसोबा में कंपनी के नाम से 106 एकड़ की जमीन है, वहीं लखनऊ में 191 एकड़ की जमीन है, तो वहीं देश के लगभग 10 राज्यों में 764 एकड़ की जमीन है। कहा तो यह भी जाता है कि सहारा श्री के नाम इतनी जमीन है कि पूरे देश में किसी के पास नहीं होगी, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक जानकारी का जिक्र कहीं पे नहीं मिलता है। ऐसे में यह साफ है कि यह पूरा मामला जो है सहारा, सेबी और कोर्ट के पास मात्र 2 कंपनियों को लेकर है, लेकिन बाकी कंपनियों में जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है उनका पैसा तो उन्हें मिलना ही चाहिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर उपभोक्ता पीस रहे हैं, एजेंट लगातार अपने उपभोक्ताओं से गालियां सुन रहे हैं। तो ऐसे में सहारा श्री को चाहिए कि अपने गरीब उपभोक्ताओं का पैसा जो है जितनी जल्दी हो सके उन्हें लौटा दे। तो यह थी सहारा श्री से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।